मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाई जा रही विकास यात्रा रविवार को डबरा विधानसभा के देवगढ़ गांव से शुरू की गई। ऐसी यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और निगम मंडल की अध्यक्ष इमरती देवी शामिल हुई। वहीं यात्रा के दौरान जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को सरकार की जनहितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना का भी शुभारंभ किया गया, साथ ही कई हितग्राहियों को चेक भी वितरण किए गए। वह इस मौके पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि इस यात्रा से ग्रामीण अंचल में लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, हर पहलू पर उनकी सुनवाई हो सकेगी और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आज हमारे रविवार जयंती पर आज प्रकाश यात्रा हमारी चालू हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे कि ग्वालियर में श्रीमन ज्योतिराज सिंधिया रविदास जयंती मना रहे, मुरैना में रविदास जयंती मना रहे, विकास यात्रा चालू हुई है। आज बेगांव में हमारी मंच पर उपस्थित हमारे के कोई भी विधायक बचार हमको जानते भी नहीं, जानते भी आते भी नहीं। लेकिन जब भी मैंने सोचा था कि इस क्षेत्र में किन्नौर की तरफ सीमा क्षेत्र और करियाव के क्षेत्र में तो हम जाते आते रहते थे, पहले भी वहां पर मैं जिला पंचायत सदस्य थी तो सब जानते थे। लेकिन इस क्षेत्र में मैंने भी अपनी एक पहचान बनाई है।